हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो एसएससी की कोई सी भी एग्ज़ाम देते हों, क्योंकि इस बार आपने देखा है कैलेंडर आ चुका है, लेकिन कैलेंडर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसा धोखा आपके साथ हुआ है जो कि शायद आप जिससे अनजान हो, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो और जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। मैं एक्चुअली आपको पूरा समझा दूंगा कि कैसे आपका लॉस हो रहा है एज का और कैसे एसएससी आपको बेवकूफ़ बनाएगा अभी के नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हो रही है। कई स्टूडेंट्स इसको समझते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं कि हमारा कैसे लॉस हो रहा है एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये इशू है क्या। देखो, एसएससी आपकी कोई सी भी एग्जाम होगी, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, हर एग्जाम की अलग अलग एज लिमिट होती है। और हमारा कंसर्न ज़्यादातर जो होता है वो अपर एज लिमिट से होता है। मतलब कि जैसा कि आपको पता है कि सीपीयू का जो एग्ज़ाम होता है उसकी जो एज लिमिट है वो 25 साल है। मतलब कि 25 साल जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आप उसके बाद एग्ज़ाम ये वाली नहीं दे पाओगे। यानी कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो या सीएपीएफ में एसआई की पोस्ट है, वहाँ पर आप रिक्रूट नहीं हो सकते। वैसे ही स्टेनोग्राफर जो एग्ज़ाम होती है, स्टेनो की एग्ज़ाम की 30 साल एज लिमिट है, ठीक है। तो ये अपर लिमिट है 30 साल की ऐसे स्टेनोग्राफर की। वैसे ही सीएचएसएल की 27 साल है, सीजीएल की 30 साल है, 32 साल जेएसओ वाली पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जो कैलेंडर अभी आया है इसमें एसएससी ने क्या खेल खेला, क्योंकि हमने कैंपेन किया था, आपको याद होगा 12 दिसंबर को, जिसमें किसी टीचर ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, हमने खुद ने अपने दम पे किया था और केवल 29 नंबर पर ट्रेंड हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो कैलेंडर आ गया। होता क्या है, जनरली एसएससी सबसे पहले सीपीओ का एग्जाम लेता है, फिर सीएचएसएल लेता है, फिर सीजीएल लेता है। उसका यह ऑर्डर फिक्स है, पहले सीपीयू होगा, फिर सीएचएसएल होगा, फिर सीजीएल होगा। लेकिन इस बार एसएससी ने क्या किया, क्योंकि सीजीएल वाले बच्चे ज़्यादा दबाव बना रहे थे कैलेंडर के लिए, तो उसने सबसे पहले सीजीएल ले लिया। मतलब कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम में सबसे ऊपर नाम जो कैलेंडर में है वो सीजीएल का है, ना कि सीपीओ का है। तो इसका अभी क्या हुआ, इसमें भी नुकसान है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पहले सीपीओ का लेके समझ लेते हैं। सीपीओ का जो आपका 2021 वाला एग्ज़ाम है, ये वाला 2021 वाला जो एग्ज़ाम है, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, 14 अगस्त को, 14 अगस्त 2022 को आएगा, ठीक है। 2022 को इसका नोटिफिकेशन आएगा और इसका एग्ज़ाम जो होगा दिसंबर में होगा। इसका मतलब क्या है कि एसएससी जब एग्ज़ाम निकालेगा, नोटिफिकेशन निकालेगा, तो जो आपकी एज लिमिट काउंट करेगा, मतलब जी एज रेकनिंग की जो डेट है, ये डेट रखेगा 1 अगस्त 2022। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, ये सीपीओ वाला कौन सा एग्ज़ाम है, 2021 का, 2021 का एग्ज़ाम है, तो कायदे से इसकी एज रेकनिंग की डेट क्या होना चाहिए, 1 जनवरी 2021। लेकिन एसएससी ऐसा कर नहीं सकता, चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि डीओपीटी का रूल है, जिस साल एग्ज़ाम होती है एज रेकनिंग की डेट जो होती है वो उसी साल रखी जाती है। अब क्योंकि जो एग्ज़ाम है आपका 14 अगस्त को आपको केवल नोटिफिकेशन आ रहा है, और ये एग्ज़ाम जो होगा वो दिसंबर में होने वाला है ना, कैलेंडर में लिखा हुआ है कि दिसंबर में सीपीओ का एग्ज़ाम होगा, तो दिसंबर में अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो डेफिनेटली ये एज रेकनिंग की डेट 1 अगस्त ही रखेगा एसएससी। अब होना कितनी चाहिए आपकी, 1 जनवरी होना चाहिए, 1 जनवरी 2021। क्यों होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 2021 वाला है, और रखोगे आप 1 अगस्त 2022। आपका नुकसान इसमें कैसे होगा समझो, मान लो 1 जनवरी 2021 एग्ज़ाम की डेट रखते एज रेकनिंग की, मतलब कि अपर एज लिमिट जो होना चाहिए वो आपकी एज 1 जनवरी से काउंट हो रही है। इसका मतलब ये क्या है कि 1 जनवरी 2021 को आपको 25 साल कंप्लीट नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसको काउंट कैसे करते हैं, एक्चुअली इसका काउंट करने का तरीका ये है कि आपको जो बर्थडे है वो 1 जनवरी 1996 के पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी 1996 के पहले आपका बर्थडे नहीं आना चाहिए, उसके बाद आया तो चलेगा। अब हुआ क्या, ये डिले होने की वजह से 1 अगस्त 2022 को आपकी एज रेकनिंग डेट रखी जाएगी, और इसके चक्कर में ये 1 अगस्त 1997 के पहले जितने लोग पैदा हुए हैं वो सारे के सारे एग्जाम से बाहर हो गए। यानी कि जो आपकी जो 30 साल की एज लिमिट है वो हो गई 28.5 साल। ये खेल हुआ एसएससी सीपीओ में, तो सीधे सीधे आपका 1.5 साल, 1.5 ईयर्स आपकी ज़िंदगी के एसएससी ने उड़ा दिए इसमें। हालांकि एसएससी की पूरी गलती भी नहीं है, क्योंकि सेकेंड वेव आ गई थी, लॉकडाउन हो गया था, तो वैसे भी चीज़ें अस्त व्यस्त हुई थी, बट जो भी है गलती बच्चों की भी नहीं है। अगर एसएससी इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो बच्चे तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक बच्चा जो एक सपना देख रहा है, दिल्ली पुलिस में जाने का पैशन होता है, किसी को यूनिफॉर्म पहनने का पैशन होता है, किसी को बीएसएफ ज्वाइन करना है, किसी को सीपीएफ, कोई भी आपकी जो अलग अलग एसएसबी होता है
वो ज्वाइन करना है तो उसका सपना तो सपना ही रह जाएगा, उसकी तो एज लिमिट खत्म हो जाएगी 30 साल ही, सॉरी ये 25 साल होगी ना, ये जो है 25 साल होगी जैसे, है ना, 30 साल नहीं होगा, अगर आपका 25 साल एज लिमिट है तो 23.5 साल हो गई है, मतलब कि आप 23.5 साल के हो और उससे ऊपर अगर हो गए तो आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर नहीं हो सकते। तो इसमें गलती SSC की है और कोविड की भी है, बट स्टूडेंट्स को गलती नहीं है। एक और एग्जांपल समझ लो, इसमें सबसे बड़ा ब्लंडर जो हो रहा है वो स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम में हो रहा है। स्टेनो की जो एग्ज़ाम है वो भी 2021 वाली एग्ज़ाम है ना, ये भी डिले हुई एग्ज़ाम। अब इनने किया क्या है, स्टेनो की एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन की डेट क्या है, 5 दिसंबर 2022, मतलब 5 दिसंबर 2022 को तो नोटिस आएगा और अप्रैल 2023 में एग्जाम होगी, यानी कि ये जो एज रखने की डेट रखने वाले हैं ये रखेंगे 1 जनवरी 2023। अब ध्यान से समझना इसको, 1 जनवरी 2023 रखेंगे एज रेकनिंग की डेट, जो होना चाहिए थी 1 जनवरी 2021 कायदे से होना चाहिए थी ये, और रखेंगे ये क्योंकि एग्जाम जो हो रहा है आपका 2023 के अप्रैल में हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीधे सीधे 2 साल का अंतर आ गया, यानी कि SSC स्टेनोग्राफर में जो 30 साल एज लिमिट थी वो घट के हो जाएगी 28 साल। मतलब ये कि मान लो कि आप 28 साल पूरे हो चुके हो और आपको ये लगता है कि मेरे 2 साल बचे हुए हैं, मेरे 2 अटेम्प्ट और बचे हुए हैं, मैं स्टेनोग्राफर की तैयारी कर सकता हूँ, तो आपकी गलतफहमी है क्योंकि आप एज लिमिट क्रॉस कर चुके हो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ये सबसे बड़ी इशू हो रही है और ये हर एग्जाम में हो रहा है। आप CGL का देख लेते हैं, इस साल जो CGL का नोटिफिकेशन आने वाला है 23/12 को आएगा, है ना, 23/12 को CGL का नोटिस आ रहा है और ऑब्वियसली ये एज रेकनिंग की डेट क्या रखेंगे, 1 जनवरी 2022, है ना। तो वो बच्चे जो 30 साल मान के चल रहे हैं SSC CGL की एज लिमिट, वो घट के हो गई 29 साल, मतलब यहाँ पर भी 1 साल का नुकसान हो रहा है। अगर इन्होंने इस एज रेकनिंग डेट को 1 अगस्त में रखा तो भी 6 महीने का नुकसान है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अब क्योंकि आपको बताने के लिए कि आप 30 साल एज लिमिट है लेकिन एक्चुअल में वो 28 साल ही है, 28.5 साल है, 29 साल है, ठीक है। और इसमें गलती किसकी है, इसमें गलती SSC की है, क्योंकि कोविड अगर आया है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दो बच्चों को, या तो आप एग्जाम अलग से नोटिस निकाल देते कि जो स्टूडेंट्स आखिरी में थे, जो अंतिम में थे बिल्कुल, और जो कोविड की वजह से जो एग्ज़ाम इनका लेट हुआ है, जो इनका एज खत्म हो रही है, उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे रहे हैं हम, या तो ऐसा करना चाहिए था, या फिर सीधे सीधे एक तरीका था कि एज लिमिट को 2 साल से बढ़ा दिया जाए, सारी पोस्ट क्या बढ़ा दो 2-2 साल, ठीक है 25 साल 27 साल कर दो, 30 साल जो CGL और स्टेनो की उसको 32 साल कर दो, यही एक तरीका है, इसके अलावा का तरीका नहीं है। और देखो ये जो है ना लड़ाई, ये कैसी लड़ाई है जिसको हमको लड़ना भी है और जीतना भी है, जितना लड़ना जरूरी है ना उससे ज़्यादा जीतना जरूरी है। तो अब मेरे एंड में मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, जितना मुझसे होगा हम एक ट्विटर कैंपेन करेंगे, स्टार्ट वहाँ से करेंगे और देखते हैं कि इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, लेकिन हमको कैसे भी करके इसकी एज में बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आपको दोस्तों देखो अभी ऐसा लग रहा होगा कि मेरी उम्र तो 24 साल है 25 साल है तो मैं क्यों सोचूं, तो मैं उसको आपको रीज़न बताता हूं। SSC का जो एग्ज़ाम होती है ना यार, वो चलती है 3 साल। SSC CGL एग्ज़ाम निकालने का, स्टेनोग्राफर निकालने का आपने अगर सपना देखा है तो वो समय तो लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो आपको सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी मिनिस्ट्री में या डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर लेवल के रैंक दे रही है। तो ऐसी चीज़ है ना, थोड़ी सी बड़ी अचीवमेंट एक्चुअली है, छोटी अचीवमेंट नहीं मानी जाती है, और ऐसी चीज़ों को अचीव करने में समय तो लगेगा ये मान के चलो। अब होता क्या, जब आप समय जब पढ़ाई शुरू करोगे, मान लो 24 में शुरू पढ़ रहे हो या 25 में आप शुरू कर रहे हो, तो होगा क्या, समय निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना एज लिमिट कम होने की, ये 30 के 28 हो रहे हैं, हो सकता है इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आ जाए, हो सकता है एक ऐसा समय आपका आ जाए जब आप एग्जाम कॉन्फिडेंटली निकालने वाले हो लेकिन एज आपके आड़े आ जाए, क्योंकि एक्चुअली 30 साल होना चाहिए 28 साल ही हो रही है। तो ये लड़ाई सबके लिए है, सबको लड़ना है, और हमें कौन सा घर से निकल के झंडे लेके बाहर निकलना, सड़कों पे दौड़ना है, हम ऐसा कुछ तरीका निकालेंगे SSC को अपने एंड पे ही हम अपनी बात रख सकें, और जो कि हमारी जेन्युइन डिमांड है, ठीक है। और देखो हमने करके दिखाया है, किसी भी टीचर ने सपोर्ट नहीं किया था, अपने जो 12 दिसंबर को अपन ने ट्विटर कैंपेन किया था कैलेंडर के लिए, ठीक है कैलेंडर पे, और केवल 29 नंबर पर रैंक किया था वो, तो वो भी थोड़ी सी देर के लिए, 29वें नंबर पे आया था और हट गया था वो SSC एग्जाम 2021 कैलेंडर जो अपना हैशटैग था। तो उतने में भी क्या पता SSC समझ गया हो और निकाल दिया हो। तो अब हमको क्या करना है, इस लड़ाई को लड़ना है, एज रेकनिंग वाला इशू है और इसको ये सबके लिए सब इससे इम्पैक्ट होने वाला है, सबको इम्पैक्ट इसका होगा, तो हमें सबको मिलकर लड़ना पड़ेगी चीज़, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आप ही मान के चलना इसका जो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर भी आ सकता है। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये है कि अपन देखते हैं कि CGL का जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें वो क्या डेट रखता है, SSC इसमें क्या डेट रखेगा,
पहले उसको देख लेते हैं। अगर वो 2021 वाला रखेगा, जाके मुझे लगता है कि 1 जनवरी 2022 ही रखेगा वो, है ना, तो जो भी उसमें होगा अपन देखेंगे, उसके बाद अपन डिसीजन लेंगे कि इसकी एज लिमिट हम कैसे बढ़वा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बढ़वाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो ना किसी एग्ज़ाम की, तो आप काफ़ी कुछ अपना खो देते हो, आपका समय, आपका फैमिली का टाइम, आपका कई चीज़ें, आपको करने का मन करता है, घूमने फिरने का, मस्ती करने का, वो सब आप कॉम्प्रोमाइज़ करके इसकी तैयारी करते हो। तो एक जर्नी अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि इसको ख़त्म किया करो, और ऐसा ना हो कि यार खत्म करने जाओ और ऐसे उम्र के पड़ाव पे आ जाओ कि आपकी एज कम पड़ जाए, क्योंकि 30 साल की दिक्कत नहीं, 30 साल तो अच्छी एज है, इस एज में तो लगभग आप निकालने की हालत में आ जाते हो, लेकिन 28 साल बहुत कम हो जाती है, जो कि एक्चुअल में है नहीं, जो कि SSC की गलती की वजह से कम हो रही है। तो हमें करना क्या है, अभी हम वेट करेंगे, पर आप तैयार जरूर रहना, हम आज तक डिसाइड करेंगे और जरूर इसके लिए अपन लड़ाई लड़ेंगे एज रिकनिंग इशू के लिए, और अपन कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके एक ही डिमांड है कि 2 साल एज लिमिट बढ़ाई जाए, SSC की सारी एग्जाम्स की जो एज लिमिट है वो 2 साल बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो या फिर आप ऐसा करो कि जो लोग आखिरी के एक अटैम्प्ट या दो अटैम्प्ट में बच रहे हैं, उनको आप एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दे दो। अगर आप एज लिमिट नहीं बढ़ा रहे हो तो एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दो, और सबसे बड़े तरीका खैर वही होता है कि डायरेक्टली एज लिमिट ही बढ़ा दी जाए, तो काम ही खत्म हो गया ना, सबके लिए एक अटैम्प्ट आ जाएगा, मतलब जो लोग भी बच्चे 2020 वाले टीयर में नुकसान पाए वो भी अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट इशू है, और जैसा कि आप देख सकते हो कि ज़्यादा उम्मीद अपन किसी टीचर से कर नहीं सकते, कोई सपोर्ट करता नहीं है, यूपी के अंदर चुनाव है, तो आप सभी टीचर्स को देख लेना, सब यूपी में सब ट्वीट कर रहा है लेकिन यहाँ कोई ट्वीट नहीं करता, तो अब कोशिश करेंगे सबको कोऑर्डिनेट करने की, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, और क्या कर सकते हैं, सबसे बोलेंगे भैया कि ये ऐसा इशू है जिससे कि बच्चे इंपैक्ट हो रहे हैं और बहुत नुकसान हो रहा है, और 3 साल पढ़ लो, 4 साल पढ़ लो और आपकी एज ही खत्म हो जाए, तो वो 4 साल भी बर्बाद ही हो गए, क्या पता बिल्कुल छोर पर बैठे हो अब एकदम एज पे आ गए और एग्जाम आपकी निकल ही जाए अगली बारी, लेकिन एज खत्म होने की वजह से आप बाहर हो रहे हो, तो ये गलत है मेरे हिसाब से, ठीक है। स्पेशली यार मुझे बड़ा बुरा लग रहा है CPO वाले बच्चों के लिए, आप बहुत बहुत कम बच्चों के एग्जाम के बारे में पता चलता है, बहुत लेट पता चलता है, हर कोई इतना अवेयर थोड़ी होता है, और आप इसकी वजह से आपका 30.5 साल ही हो रहा है, मतलब 23.5 आपकी एज हो जाएगी, जो होना चाहिए 25 साल, तो आपको पता चले तब तक तो आपकी एज ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए लड़ना जरूरी है, पर अभी अपन एक काम करते हैं, अपन देखते हैं कि CGL का जो नोटिफिकेशन आएगा 23 दिसंबर को, उसमें SSC क्या करता है, क्या डिसीजन SSC लेगा, उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि अपने को क्या करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, जो भी कैंपेन होगा वो भी करेंगे, और जितना अपने से बनेगा उतना करेंगे। मेरे एंड पे मैं अपना तरफ से प्रॉमिस कर देता हूँ, जितना सपोर्ट मुझसे बनेगा मैं जरूर आपके लिए करूँगा, ठीक है। बट ये कि आपको भी थोड़ा करना पड़ेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लोगों को अलर्ट करो, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सबको बताओ कि एक ऐसा इशू है जिसको जिससे हमको डील करना ही पड़ेगा और हमको इसके लिए काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।